जय श्री राम। कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को स्वागत है एसएससी फैंटेसी जर्नल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के बीच में खेले जाने वाला सेकेंड T20 मैच के बारे में, और ये जो मैच आपको 5:30 बजे शाम को खेला जाएंगे। तो भाई, जो पहला T20 मैच हुआ था, श्रीलंका टीम ने ये मैच 3 रन से जीत गया था। भाई श्रीलंका पहले बैटिंग करते हुए 206 रन बनाए और बांग्लादेश टीम यहाँ पर 203 रन बना पाया था। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। भाई यहाँ पर मैं आपको 20GL लाइव बना के दिखाऊंगा। 20GL लाइव ग्रैंड लीग टीम होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर्स में किस किस प्लेयर को लेना चाहिए, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहीं पर देने वाला हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाला है। तो भाई यहाँ पर आपको मैं 20GL टीम तो दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ पर आपको पहले बार आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। इसके साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करना, और फाइनल टीम फर्दर अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी दे चुका हूँ। तो विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में आप देख सकते हो भाई, 3 विकेट कीपर यहाँ पर आपको कन्फर्म करना है। लिथन दास, कुशल मेंडी, सदरे समर विक्रमा। तो लिथन दास लास्ट मैच फ्लॉप रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुशल मेंडी, सदरे समर विक्रमा दोनों ने कमाल की परफॉर्मेंस दी है। तो यहाँ पर इन तीनों को लेने के साथ साथ मैं एक और एक्स्ट्रा विकेट कीपर को मैं ऐड कर रहा हूँ भाई। यहाँ पर जाकिर अली कमाल की परफॉर्मेंस दिए थे भाई, 200 के स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की। तो यहाँ पर मैं जाकिर अली को भी मैंने अपनी टीम पर कन्फर्म कर लिया। उसके बाद आते हैं भाई महमूदुल्ला, चरित असलंका, ये दोनों रहेंगे। बाकी प्लेयर्स को फिलहाल के लिए मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। ऑलराउंडर्स पे यहाँ पर देखा जाए तो एंजेलो मैथ्यूस, और इसके साथ साथ आप मेहदी हसन को टीम पर ले सकते हो। गेंदबाजी डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो शरीफुल इस्लाम रहेंगे, मतीसा पतिराना, और इसके साथ साथ भाई यहाँ पर मैं लेना चाहूँगा दिलसन मधुसन का लास्ट मैच नहीं खेले, तो आप यहाँ पर बिनोरा फर्नांडो को आप अपनी टीम पर कन्फर्म कर लेना भाई। तो एक बार टीम अच्छे से देख लेना भाई, आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मेरा पहला GL टीम है, 3 विकेट कीपर लिथन दास, कुशल मेंडी, सदरे समर विक्रमा, जाकिर अली है भाई यहाँ पर बल्लेबाज, सॉरी 4 विकेट कीपर है यहाँ पर, लिथन दास, कुशल मेंडी, सदरे समर विक्रमा, जाकिर अली, और यहाँ पर 2 बैट्समैन चरित असलंका, महमूदुल्ला। 2 ऑलराउंडर्स है भाई एंजेलो मैथ्यूस, मेहदी हसन, और 3 गेंदबाज है मतीसा पतिराना, शरीफुल इस्लाम और बिनोरा फर्नांडो। तो कैप्टन वाइस कैप्टन पर आपको किस प्लेयर को लेना चाहिए? तो कैप्टन वाइस कैप्टन पे काफ़ी प्लेयर्स है भाई, लेकिन यहाँ पर आपको सोच समझ के कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना पड़ेगा। तो भाई मैं सदरे समर विक्रमा को कैप्टन बनाना चाहूँगा, और वाइस कैप्टन पे मैं महमूदुल्लाह के साथ जा रहा हूँ भाई। तो ये मेरा पहला GL टीम है भाई, तो इस टीम को पहले सेव करके रख लेना, क्योंकि भाई यहाँ पर आपको मैं लाइव टीम, लाइव GL बना के दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर सारे प्लेयर्स, आपको कौन कौन सा प्लेयर को लेना चाहिए, सब कुछ यहाँ पर डिटेल से एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। तो अभी आपको मैं दूसरा GL टीम आपको मैं बना के दिखाऊंगा भाई। लिथन दास विकेट कीपिंग पे रहेंगे, महमूदुल्ला रहेंगे भाई चरित असलंका, इसके साथ साथ मैं हेरोडाय के साथ जा रहा हूँ, और मैं नजमुल हसन सैंटो को भी मैं अपने टीम पे ऐड कर रहा हूँ भाई। ऑलराउंडर्स पे एंजेलो मैथ्यूस, दसुन सनका रहेंगे भाई, और इसके बाद आप मेहदी हसन को लीजिए, सौम्य सरकार को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। और यहाँ पर गेंदबाजी डिपार्टमेंट में आपको मतीसा पतिराना, महेश तिक्साना के साथ साथ आप मुस्तफिजुर रहमान को आप अपने टीम पर लीजिएगा। मुस्तफिजुर रहमान की भी लास्ट मैच में गेंदबाजी काफ़ी ख़राब गया था। तो कैप्टन पे भाई मैं मेहदी हसन को टीम पे लूँगा, और वाइस कैप्टन पे मैं जाऊँगा भाई चरित असलंका के साथ। तो ये जो हमारा टीम है भाई, इस टीम को मैं सेकेंड GL टीम के लिए यूज़ करूँगा। और यहाँ पर आप टीम भी देख सकते हो, 1 विकेट कीपर, 4 बल्लेबाज, 3 ऑलराउंडर, 3 गेंदबाज है, और कैप्टन वाइस कैप्टन पर मेहदी हसन और चरित असलंका को भी मैंने टीम पर शामिल कर लिया। तो ये मेरा दूसरा GL टीम था भाई। तो 2 GL टीम आपको मैंने दिखा दिया, और अभी आपको मैं 3रा GL टीम भी दिखाने वाला हूँ। तो 3रा GL टीम किस प्रकार बनाना चाहिए? तो 3रा GL टीम पे भाई कुशल मेंडिस, और इसके साथ साथ मैं जाकिर अली को टीम पे शामिल कर रहा हूँ। महमूदुल्ला, नजमुल हसन सैंटो, और इसके साथ साथ कमिंडो मेंडिस को आप टीम पे रखिएगा। ऑलराउंडर्स पे ओनली दसुन सरका को मैं टीम पे ले रहा हूँ भाई। और गेंदबाजी डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मतीसा, शरीफुल इस्लाम, महेश तिक्साना, टास्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, और इसके साथ साथ आपको लेना चाहिए बिनोरा फर्नांडो। तो ये 6 प्लेयर्स आपको गेंदबाजी में नजर आने वाले हैं। तो यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन के मामले में अगर देखा जाए भाई, यहाँ पर काफ़ी प्लेयर्स हैं, लेकिन आपको नजमुल हसन सैंटो को आप कैप्टन बना के, वाइस कैप्टन पे आप कुशल मेंडिस को टीम पे शामिल कर लीजिएगा भाई। तो 2 विकेटकीपर, 2 बल्लेबाज, 1 ऑलराउंडर, 6 गेंदबाज है, और कैप्टन वाइस कैप्टन पे आपको दोनों टीम के कप्तान आपको नजर आ रहे हैं भाई। तो ये दोनों प्लेयर्स को मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन ले लिया, और ये जो हमारा टीम है भाई, इस टीम को मैं 3रा GL टीम पर यूज करने वाला हूँ। और अभी आपको मैं 4था GL टीम भी आपको मैं दिखा देता हूँ भाई। यहाँ पर 4था GL टीम पर मैं क्या क्या किया, तो यहाँ पर 4था GL टीम पे अगर देखा जाए भाई, यहाँ पर आपको लिथन दास को मैं ड्रॉप करके कुशल मेंडी, सदरे समर विक्रमा, जाकिर अली को मैंने टीम पे लिया भाई, और यहाँ पर चरित असलंका, टॉहिड रिडर रहेंगे, और इसके साथ साथ असीरा फर्नांडो को आप टीम पे रखिएगा। एंजेलो मैथ्यूस के साथ साथ भाई यहाँ पर आप मेहदी हसन को टीम पे रखिएगा यहाँ पर,
और गेंदबाजी डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए भाई, यहाँ पर बिनोरा फर्नांडो, रूबेल हसन को मैं टीम पर ले रहा हूँ, अकेले धनंजय को यहाँ पर मैं, तो बाकी जो भी बॉलर्स है अच्छे बॉलर सभी को मैंने ड्रॉप कर दिया। और गेंदबाजी में अभी आपको मैं बता चुका हूँ भाई, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन पर अगर देखा जाए, एंजेलो मैथ्यूज को मैं कैप्टन बना के, वाइस कैप्टन के मामले में अगर देखा जाए तो चरित श्रीलंका को ले लीजिएगा भाई, लास्ट मैच में 6 छक्के लगाए थे। तो 3 विकेटकीपर, 3 बल्लेबाज, 2 ऑलराउंडर और 3 गेंदबाज है भाई। और कैप्टन वाइस कैप्टन की भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको एंजेलो मैथ्यूज और चरित श्रीलंका को मैंने टीम पे लिया। और ये जो हमारा टीम है भाई, ये टीम को मैं 4th GL टीम पे यूज़ करने वाला हूँ। और अभी आपको मैं 5th GL टीम बना के दिखाने वाला हूँ भाई, 5th GL टीम पे आपको कौन कौन सा प्लेयर को लेना चाहिए। तो भाई यहाँ पर मैं सभी विकेट कीपर को ड्रॉप कर रहा हूँ, कुशल मिंडी, सजीर समर विक्रांत, लेथन दास, लेकिन यहाँ पर मैं जाकिर अली को टीम पर ले रहा हूँ। और बल्लेबाज है चरित श्रीलंका, महमदुल्ला, और यहाँ पर टॉहिट रेडर रहेंगे भाई। उसके बाद यहाँ पर असिरा फर्नांडो को आप टीम पर रखिएगा। ऑलराउंडर्स में एंजेलो मैथ्यूज के साथ साथ सौम्य सरकार को लीजिएगा। गेंदबाजी में मतीसा पित्रना, शरीफुल इस्लाम, इसके साथ साथ आप महेश दीक्षाना, और यहाँ पर आपको लेना चाहिए भाई अकीला धनंजय। अकीला धनंजय भले लास्ट मैच फ्लॉप रहे, देखिए कमाल का प्लेयर है भाई, तो आपकी टीम पर रखेंगे तो फायदा ही रहेगा। तो कैप्टन वाइस कैप्टन पर, वाइस कैप्टन पर थोड़ा मैं रिस्क लूँगा भाई, असिरा फर्नांडो को मैं टीम पर ले रहा हूँ। और कैप्टन पर मैं जाकिर अली के साथ जा रहा हूँ भाई, एक नया प्लेयर है, इन पे मैं ट्राई कर रहा हूँ भाई यहाँ पर। तो ये जो टीम है आपको 1 विकेटकीपर, 4 बल्लेबाज, 2 ऑलराउंडर, 4 गेंदबाज है। और कैप्टन वाइस कैप्टन के मामले में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको जाकिर अली, असिरा फर्नांडो को मैं टीम पे ले लिया। ये मेरा 5th GL टीम है भाई। तो 5th GL टीम हमने कंप्लीट कर लिया भाई, और अभी आपको मैं 6th GL टीम दिखाने वाला। और 6th GL टीम पर अगर देखा जाए भाई, यहाँ पर आपको कौन कौन से प्लेयर को लेना चाहिए। तो 6th GL टीम पे अगर बात करूँ तो लिथन दास एक ही विकेट कीपर को ले रहा हूँ भाई यहाँ पर। महमूदुल्ला रहेंगे, टॉहिट रेडर, नजमुल हसन सैंटू, और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको ऑलराउंडर्स पे अगर देखा जाए तो एंजेलो मैथ्यूज, दर्शन सनका, और यहाँ पर सौम्य सरकार, मेहदी हसन भी रहेंगे। और गेंदबाजी में टास्किन अहमद, शरीफुल इस्लाम, और इसके साथ साथ भाई यहाँ पर आप मतीसा पित्रना को टीम पे शामिल कर लीजिएगा। तो कैप्टन वाइस कैप्टन पे अगर बात की जाए तो टॉहिट रेडर मेरे कैप्टन रहेंगे, और वाइस कैप्टन पे मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं लेना चाहूँगा भाई लिथन दास को। लिथन दास यहाँ पर काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर है भाई, तो आप इनको टीम पर शामिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको 1 विकेटकीपर, 3 बल्लेबाज, 4 ऑलराउंडर, 3 गेंदबाज है भाई। और कैप्टन वाइस कैप्टन पे यहाँ पर टॉहिट रेडर और लिथन दास को मैंने टीम पर ले लिया। और ये जो हमारा टीम है भाई, इस टीम को मैं 6th GL टीम पे यूज़ करूँगा। और अभी आपको मैं 7th GL टीम भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और 7th GL टीम पे आपको किस प्रकार बनाना चाहिए भाई, आपको मैं बता देता हूँ। तो 7th GL टीम में आपको मैं 4 विकेटकीपर के साथ जाने के लिए सलाह दूंगा भाई फिर से यहाँ पर। आपको ये 4 विकेटकीपर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और बल्लेबाजी डिपार्टमेंट में आपको ओनली महमूदुल्ला को ले लीजिएगा भाई यहाँ पर। ऑलराउंडर्स में एंजेलो मैथ्यूज को आप लेना है, और यहाँ पर इसके साथ साथ आप सौम्य सरकार, मेहदी हसन को टीम पे शामिल कीजिएगा, शरीफुल इस्लाम, टास्किन अहमद, और इसके साथ साथ भाई यहाँ पर आपको लेना चाहिए रूबेल हसन। रूबेल हसन भी काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर है, काफ़ी एक्सपीरियंस इनके पास है, तो आप इनको टीम पे शामिल कीजिएगा। तो महमूदुल्ला मेरे कैप्टन रहेंगे भाई। और वाइस कैप्टन डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो मैं सदैव समर विक्रमा को मैंने अपनी टीम पर ले लिया। तो ये जो हमारा टीम है भाई, 4 विकेटकीपर, 1 बल्लेबाज, 3 गेंदबाज और 3 ऑलराउंडर है। और कैप्टन वाइस कैप्टन पे महमूदुल्ला और सदीर समर विक्रमा को मैंने टीम पे लिया। और ये जो हमारा टीम है भाई, इस टीम को मैं 7th GL टीम पे यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ तक अगर देखा जाए भाई, मैं पूरे 7 GL टीम बना के रख चुका हूँ, अभी भी आपको 13 GL टीम देना है। लेकिन ये 13 GL टीम देखने से पहले भाई, अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा भाई। आपसे मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ, बस एक लाइक मांग रहा हूँ। अगर आप लाइक करते हो तो काफ़ी मोटिवेशनल मिलता है भाई हम लोग को। तो 20 GL टीम आपको कोई भी बना के नहीं देगा भाई, इसलिए मैं बता रहा हूँ वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। और 8th GL टीम पे क्या करने वाला हूँ मैं, 8th GL टीम पे भाई यहाँ पर कुशल मेंडिस रहेंगे, और इसके साथ साथ जाकिर अली रहेंगे। और बल्लेबाजी में आपको चरित श्रीलंका, टॉहिट रेडर, नजमुल हसन सैंटू भाई, उसके बाद सभी प्लेयर्स को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। ऑलराउंडर्स में यहाँ पर सौम्य सरकार, और इसके साथ आप मेहदी हसन और दर्शन सनका को टीम पर रखिएगा। और गेंदबाजी में आपको टास्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, और इसके साथ साथ आपको लेना चाहिए भाई यहाँ पर बिनोरा फर्नांडो। तो कैप्टन वाइस कैप्टन पे यहाँ पर मैं बिनोरा फर्नांडो को कैप्टन बना के, वाइस कैप्टन के मामले में अगर देखा जाए तो मैं दर्शन सरकार के साथ जा रहा हूँ। तो ये जो टीम है भाई, 2 विकेटकीपर, 3 बल्लेबाज, 3 ऑलराउंडर, 3 गेंदबाज है। और कैप्टन वाइस कैप्टन पे बिनोरा फर्नांडो, दर्शन सरकार को मैंने टीम पे लिया। और ये जो हमारा टीम है भाई, इस टीम को मैं 8th GL टीम पे यूज करने वाला हूँ। तो भाई यहाँ पर हमने पूरे 8 GL टीम बना लिया। अभी आपको मैं 9th GL टीम दिखाने वाला हूँ भाई, और 9th GL टीम पे क्या रहने वाला है। तो 9th GL टीम में अगर देखा जाए भाई, यहाँ पर कुशल मेंडिस, सदीर समर विक्रमा रहेंगे भाई, चरित श्रीलंका, और यहाँ पर नजमुल हसन सैंटो, कमिंदो मेंडिस को आप टीम पे रखिएगा।
ऑलराउंडर्स में यहाँ पर एंजेलो मैथ्यूज, दसुन सनका और इसके साथ साथ सौम्य सरकार रहेंगे। और गेंदबाजी डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर शरीफुल इस्लाम, मतीसा पत्राना, महेश दीक्षाना। तो यहाँ पर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन कौन सा प्लेस सही रहेगा, तो महेश दीक्षाना को मैं कैप्टन बनाऊंगा भाई। और वाइस कैप्टन डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए यहाँ पर काफ़ी प्लेयर्स है, लेकिन सौम्य सरकार के साथ थोड़ा मैं रिस्क लेना चाहूँगा। तो भाई सौम्य सरकार पहले बांग्लादेश टीम के लिए कंटिन्यू खेलते थे, उसके बाद बीच में फॉर्म खराब होने के कारण इनको टीम से निकाला गया, लेकिन अभी फिर कम बैक किया भाई। थोड़ा एक छोटा सा होप रखते हैं, काफ़ी अच्छे बैट्समैन है भाई, तो आप इनको टीम पर ले लीजिएगा। तो आपको दो विकेट कीपर, तीन बल्लेबाज, तीन ऑलराउंडर, तीन गेंदबाज है, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन महेश दीक्षाना और सौम्य सरकार को मैंने टीम पर ले लिया। और ये जो हमारा टीम है भाई, ये टीम को मैं 9th GL टीम पर यूज़ करने वाला हूँ। और अभी आपको मैं 10th GL टीम बना के दिखाऊंगा भाई। 10th GL टीम पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुशल मेंडिस, लिथन दास और इसके साथ महमूदुल्ला, चरित्र श्रीलंका। और ऑलराउंडर्स डिपार्टमेंट में एंजेलो मैथ्यूज, दसुन सनका, सौम्य सरकार है भाई यहाँ पर। और गेंदबाजी में टास्किन, महेश दीक्षाना, शरीफुल इस्लाम, मतीसा पत्राना। तो कैप्टन वाइस कैप्टन पे आपको एंजेलो मैथ्यूज को कैप्टन बना के, वाइस कैप्टन पे अगर देखा जाए तो मैं लिथन दास, नहीं तो आप चाहे तो कुशल मेंडिस को आप अपने टीम पे ले लीजिएगा। तो दो विकेट कीपर, दो बल्लेबाज, तीन ऑलराउंडर और चार गेंदबाज है। और कैप्टन वाइस कैप्टन पे आपको यहाँ पर एंजेलो मैथ्यूज और यहाँ पर आपको कुशल मेंडिस नजर आएंगे भाई। तो ये जो हमारा टीम है, इस टीम को मैं 10th GL टीम पर घोषित करता हूँ भाई यहाँ पर। तो देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने मैंने 10 GL टीम बना लिया भाई। अभी भी यहाँ पर हम लोग को 10 GL टीम बचा है, लेकिन अभी तक एक अलग टीम था भाई, और अभी जो मैं 10 GL टीम बनाने वाला हूँ ये पूरा अलग रहने वाला है भाई। तो चलिए आपको 11 GL टीम में दिखा देता हूँ भाई यहाँ पर। तो 11 GL टीम पर अगर देखा जाए तो सदैव समर विक्रमा और कुशल मेंडिस और इसके साथ साथ जाकिर अली को आप टीम पर रखिएगा। और यहाँ पर आपको महमूदुल्ला, चरित्र श्रीलंका रहेंगे। ऑलराउंडर्स में एंजेलो मैथ्यूज को आप टीम पे शामिल कीजिएगा भाई यहाँ पर, और मेहदी हसन। गेंदबाजी में मतीसा पत्राना, महेश दीक्षाना, मुस्तफिजुर रहमान, अकीला धनंजय और इसके साथ साथ भाई यहाँ पर आपको लेना चाहिए रूबेल हुसैन। तो एक अलग लेवल का टीम है भाई यहाँ पर, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन पे मेहदी हसन रहेंगे। और वाइस कैप्टन डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए भाई यहाँ पर आपको मैं मतीसा पत्राना के साथ जाने के लिए सलाह दूंगा, क्योंकि T20 जैसे फॉर्मेट के लिए एक अच्छा बॉलर माना जाता है। तो ये जो टीम है आपको नजर आ रहा है भाई, दो विकेट कीपर, दो बल्लेबाज, दो ऑलराउंडर और पांच गेंदबाज है। और कैप्टन वाइस कैप्टन पे देखो एक बार भाई यहाँ पर मेहदी हसन और मतीसा पत्राना दोनों यंग प्लेयर्स को मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन ले लिया। तो ये मेरा 11वां GL टीम है भाई। अभी भी यहाँ पर हम लोग को 9 GL टीम और बचा है। तो 9 GL टीम पर आपको कौन कौन सा प्लेयर को लेना चाहिए, तो जाकिर अली और लिथिन दास और दोनों विकेट कीपर को लीजिएगा भाई यहाँ पर। चरित्र श्रीलंका, महमूदुल्ला और नजमुल हसन सैंटो रहेंगे। और यहाँ पर बल्लेबाजी डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए दसुन सनका, एंजेलो मैथ्यूज रहेंगे। और उसके बाद गेंदबाजी में शरीफुल इस्लाम, टास्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान रहेंगे। और इसके साथ साथ भाई यहाँ पर आपको लेना चाहिए महेश दीक्षाना को। तो ये जो हमारा टीम है भाई यहाँ पर, तो टीम बन गया। नजमुल हसन सैंटो को मैं कैप्टन बना लेता हूँ और वाइस कैप्टन डिपार्टमेंट में आपको लिथिन दास, नहीं तो भाई यहाँ पर आपको काफ़ी प्लेयर्स नजर आ रहे हैं यहाँ पर, तो कौन सा प्लेयर सही रहेगा, तो आप शरीफुल इस्लाम को आप यहाँ पर वाइस कैप्टन बना के रख लेना भाई, क्योंकि इनकी गेंदबाजी काफ़ी कमाल का ज़्यादा है। तो दो विकेट कीपर, तीन बल्लेबाज, दो ऑलराउंडर, चार गेंदबाज है। और कैप्टन वाइस कैप्टन पे यहाँ पर आपको शरीफुल इस्लाम और नजमुल हुसैन सैंटो भाई, ये जो टीम है इस टीम को मैं 12th GL टीम के लिए यूज़ करने वाला हूँ। और अभी आपको मैं दिखाऊंगा भाई 13th GL टीम, और 13th GL टीम किस प्रकार रहना चाहिए। तो 13th GL टीम पे भाई आपको सदीर समर विक्रमा और जाकिर अली यहाँ पर रहेंगे। और उसके बाद चरित्र श्रीलंका, टॉहिड रोडे, नजमुल हुसैन सैंटो। और यहाँ पर मैं कमिंदो मेंडिस को ले रहा हूँ भाई। ऑलराउंडर्स पे एंजेलो मैथ्यूज, दसुन सनका। गेंदबाजी में मतीसा पत्राना, महेश दीक्षाना, शरीफुल इस्लाम। तो ये पहला तीन बॉलर्स को मैं टीम पे ले रहा हूँ। तो यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन पे यहाँ पर थोड़ा रिस्क लेना चाहूँगा भाई कमिंदो मेंडिस के साथ यहाँ पर। और वाइस कैप्टन के डिपार्टमेंट अगर देखा जाए तो आप टॉहिड रेडॉय को आप यहाँ पर जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आप एक बार टीम अच्छी से देखिएगा, दो विकेट कीपर, चार बल्लेबाज, दो ऑलराउंडर और तीन गेंदबाज है। और कैप्टन वाइस कैप्टन पर यहाँ पर आपको कमिंदो मेंडिस और तौहीद रेडॉय है भाई। और ये जो हमारा टीम है, इस टीम को मैं 13th GL टीम पे यूज़ करने वाला हूँ। तो भाई अभी बाकी 7 GL टीम बचा है, और बाकी 7 GL टीम पे आपको कौन कौन सा प्लेयर को लेना चाहिए भाई। तो यहाँ पर बाकी 7 GL टीम में अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको कुशल मेंडिस विकेट कीपिंग पे रहेंगे, और चरित्र श्रीलंका को ले रहा हूँ भाई, महमूदुल्ला रहेंगे। तो यहाँ पर आपको काफ़ी है बल्लेबाज, सौम्य सरकार, दसुन सनका, एंजेलो मैथ्यूज, मेहदी हसन, चार ऑलराउंडर को मैंने लिया, शरीफुल इस्लाम, मतीसा पत्राना, टास्किन अहमद और इसके साथ साथ अकीला धनंजय और यहाँ पर बेनोरा फर्नांडो यहाँ पर मेरे टीम पे रहने वाले हैं। तो कैप्टन वाइस कैप्टन पे अगर देखा जाए भाई यहाँ पर काफ़ी प्लेयर्स तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको शरीफुल इस्लाम को मैं कैप्टन बना देता हूँ, और वाइस कैप्टन डिपार्टमेंट में आपको एंजेलो मैथ्यूज को आप यहाँ पर टीम पर ले लीजिएगा। तो ये जो टीम है आपको एक विकेट कीपर, दो बल्लेबाज, तीन ऑलराउंडर और पांच गेंदबाज है। और कैप्टन वाइस कैप्टन पे शरीफुल इस्लाम और एंजेलो मैथ्यूज को मैंने टीम पर लेके ये टीम को मैं 14th GL टीम पे यूज करने वाला हूँ। तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई 14 जीएल टीम हमने कंप्लीट कर लिया और अभी आपको 6 जीएल टीम और बना के दिखाना है। लेकिन भाई ये 6 जीएल टीम देखने से पहले आप वीडियो को एक बार लाइक कर देना भाई, क्योंकि आप काफ़ी कम लोग लाइक कर रहे हो वीडियो को। अगर आप लाइक करोगे तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप वीडियो को जरूर लाइक कर देना भाई यहाँ पर। तो अभी आपको मैं 15th जीएल टीम आपको मैं बना के दिखाने वाला हूँ। तो 15th जीएल टीम में अगर देखा जाए भाई यहाँ पर आपको बल्लेबाजों पे फोकस करेंगे। पहला जो 4 विकेट कीपर है उनको ले लीजिए, चरित श्रीलंका मोहम्मद नजमुल हसन सैंटो अजीरा फर्नांडो। उसके बाद एक ही ऑलराउंडर दसुन सनका को लीजिएगा और 2 गेंदबाज को अब लेना शरीफ अल इस्लाम और मतीशा पतेराना। पहला जो 2 बॉलर हैं उनको मैंने पिक कर लिया। तो कैप्टन वाइस कैप्टन पर लिथन दास रहेंगे भाई और कुशल मेंडिस 2 विकेट कीपर को मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन ले लिया। तो यहाँ पर 4 विकेट कीपर, 4 बल्लेबाज, 1 ऑलराउंडर, 2 गेंदबाज हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन पर लिथन दास और कुशल मेंडिस को मैंने टीम पर लेके ये टीम को मैं 15th जीएल टीम पर रख रहा हूँ भाई यहाँ पर। तो 15 जीएल टीम हमारा बन गया और अभी आपको मैं 16, 17, 18, 19, 20 जीएल टीम आपको मैं बना के दिखाने वाला हूँ। तो 16 जीएल टीम में आपको कौन कौन सा प्लेयर को लेना चाहिए भाई ये सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। तो विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो आपको मैं 3 विकेट कीपर यहाँ पर, पहला जो 3 विकेट कीपर आप ले लीजिए टॉहिट रिडे, ओनली एकमात्र बैट्समैन को मैं ले रहा हूँ। ऑलराउंडर्स में यहाँ पर एंजेलो मैथ्यूज, मेहदी हसन रहेंगे। एंजेलो मैथ्यूज और मेहदी हसन को मैं टीम पर ले रहा हूँ। गेंदबाजी में आपको टास्किन रहेंगे भाई, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बॉलर है, और मुस्तफिजुर रहमान और महेश तेक्साना रहेंगे भाई। इसके साथ मतीसा पतिराना और यहाँ पर आपको शरीफुल इस्लाम, पहला जो 5 बॉलर्स है इन 5ों बॉलर्स को मैंने टीम पे ले लिया। तो कैप्टन वाइस कैप्टन पे अगर देखा जाए भाई यहाँ पर आपको मतीसा पतिराना काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं और वाइस कैप्टन पे भाई मैं जाऊँगा टास्किन अहमद के साथ भाई, क्योंकि टास्किन अहमद काफ़ी एक्सपीरियंस बॉलर है, बांग्लादेश टीम के लिए काफ़ी सालों से खेल रहे हैं। लेकिन ये प्लेयर पे एक बार ट्राई करते हैं भाई यहाँ पर। 3 विकेट कीपर, 1 बल्लेबाज, 2 ऑलराउंडर, 5 गेंदबाज, कैप्टन वाइस कैप्टन पे मतीसा पतिराना और टास्किन अहमद को मैंने टीम पर ले लिया। और ये जो टीम है भाई इस टीम को मैं 16 जीएल टीम पर यूज करने वाला हूँ। तो 16 जीएल टीम हमारा बन गया भाई, अभी आपको मैं 17 जीएल टीम बना के दिखाने वाला हूँ। 17 जीएल टीम किस प्रकार रहेगा भाई ये भी आपको मैं बता देता हूँ। तो 17 जीएल टीम में अगर देखा जाए आपको 2 विकेट कीपर ओनली श्रीलंका प्लेयर्स को लेना है, कुशल मेंडिस, सदीर समर विक्रमा। उसके बाद यहाँ पर आपको महमूदुल्ला, असीरा फर्नांडो और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको कमिंडो मेंडिस रहेंगे। रिस्क लिया भाई थोड़ा मैंने और एंजेलो मैथ्यूज को यहाँ पर मैं टीम पर शामिल करूँगा और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं सौम्या सरकार को ले रहा हूँ। गेंदबाजी में आपको बिनोरा फर्नांडो यहाँ पर फेस बॉलर है, इनको आप टीम पर ट्राई कीजिएगा। शरीफुल इस्लाम रहेंगे भाई, महेश दीक्षाना और इसके साथ साथ आपको लेना चाहिए भाई अकेला धनंजय। अकेला धनंजय लास्ट टाइम बहुत काफ़ी फ्लॉप रहे भाई, लेकिन कैप्टन पे सदीर समर विक्रमा। और वाइस कैप्टन डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैं एक सेफ जोन पे जाना चाहूँगा भाई महेश दीक्षाना के साथ। तो महेश दीक्षाना काफ़ी बढ़िया बॉलर है भाई, इनकी रिसेंट फॉर्म काफ़ी ख़राब जा रहा है, लेकिन अगर एक मैच में 3-4 विकेट ले लेंगे भाई तो पॉइंट्स भी हमें मिल जाएंगे, इनका फॉर्म भी कमबैक हो जाएगा। तो 2 विकेट कीपर, 3 बल्लेबाज, 2 ऑलराउंडर और 4 गेंदबाज हैं। और कैप्टन वाइस कैप्टन के मामले में अगर देखा जाए तो महेश दीक्षाना और सजर समर विक्रमा को मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन लेके ये जो टीम है भाई इस टीम को मैं 17th जीएल टीम पर यूज़ करने वाला हूँ। और अभी आपको मैं 18 जीएल टीम बना के दिखाऊंगा भाई, और 18 जीएल टीम पे कौन कौन सा प्लेयर को लेना चाहिए। तो 18 और 19 जीएल टीम मैं अलग लेवल बनाऊंगा भाई, बांग्लादेश के लिए मैं बना रहा हूँ। तो बांग्लादेश के लिए लिथन दास और यहाँ पर जाकिर अली, उसके बाद महमूदुल्ला रहेंगे भाई, टॉहिट रोडाई को लीजिएगा और यहाँ पर नजमुल हसन सैंटो। उसके बाद आपको सौम्या सरकार, मेहदी हसन है, गेंदबाजी में शरीफुल इस्लाम और ये टास्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और इसके साथ साथ भाई यहाँ पर ये 10 प्लेयर रहेंगे। और यहाँ पर एकमात्र प्लेयर आपको श्रीलंका की ओर से ट्राई करना है, तो एक प्लेयर कौन है भाई यहाँ पर मेरे हिसाब से देखा जाए तो सदीर समर विक्रमा मुझे सबसे सही लगता है, क्योंकि भाई बहुत सोच समझ के बैटिंग करते हैं भाई। तो यहाँ पर सदीर समर विक्रमा को मैंने टीम पर लिया। और कैप्टन वाइस कैप्टन पर अगर देखा जाए भाई यहाँ पर इस टीम पर, तो यहाँ पर आपको गेंदबाज मुझे सही नज़र आ रहा है लेकिन बैटिंग पे कोई नहीं है, लेकिन बैटिंग पे भाई डीप है थोड़ा, महमूदुल्लाह है भाई यहाँ पर और नजमुल हसन सैंटो को यहाँ पर मैं कैप्टन यहाँ पर लूँगा, नहीं तो आप नजमुल हसन सैंटो को टीम पे रख लीजिएगा। तो ये जो टीम है आप देख सकते हो भाई बांग्लादेश के 10 प्लेयर है, 3 विकेट कीपर, 3 बल्लेबाज, 2 ऑलराउंडर और 3 गेंदबाज है। और कैप्टन वाइस कैप्टन पर नजमुल हसन सैंटो, महमूदुल्लाह को मैंने टीम पर लिया। और ये जो टीम है भाई इस टीम को मैं 18 जीएल टीम पर यूज़ करने वाला हूँ। अभी इसी प्रकार भाई मैं श्रीलंका टीम के लिए बनाना चाहूँगा, तो कुशल मेंडिस, सजीर समर विक्रमा, चरित श्रीलंका और इसके साथ साथ कमिंडो मेंडिस, अजीरा फर्नांडो, दसुन सनका, एंजेलो मैथ्यूज, उसके बाद आपको मतीसा पतिराना, महेश दीक्षाना और उसके बाद आपको आएंगे भाई बिनोरा फर्नांडो। 10 प्लेयर है मैं, और एकमात्र प्लेयर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको गेंदबाज पे चल जाना भाई, शरीफुल इस्लाम को पिक कर लीजिए। तो ये टीम जीतना काफ़ी मुश्किल है भाई, लेकिन कभी कभी हम लोग को अगर लक अच्छा है तो ये सब टीम ज़्यादा चलता है भाई यहाँ पर, हम ग्रैंड लीग ईजिली जीत सकते हैं। तो श्रीलंका टीम के लिए अगर देखा जाए तो कुशल मेंडिस, और वाइस कैप्टन के लिए अगर देखा जाए तो आप एंजेलो मैथ्यूज को टीम पर ले लेना।
तो ये जो हमारा टीम है भाई, ये टीम मेरा 19 GL टीम है और इस टीम को मैं सेव करके रख लेता हूँ। तो 19 GL टीम कंप्लीट हो चुके हैं भाई, और लास्ट एंड फाइनल GL टीम आपको मैं दिखाऊंगा। विकेट कीपिंग पे अगर देखा जाए तो लिथन दास को अवॉइड कर रहा हूँ मैं। कुशल मेंडी, सधीर समर, विक्रमा रहेंगे। बल्लेबाजी पर चरित श्रीलंका, महम्मदुल्ला है भाई। उसके बाद बाकी सभी प्लेयर्स को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। एंजेलो मैथ्यूज, और यहाँ पर आपको ऑलराउंडर्स पे भी नहीं लेना। गेंदबाजी में आपको सोरीफुल इस्लाम, मतीसा पतिराना, और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो टास्किन अहमद है भाई, नहीं तो आप महेश तिक्साना, चारों को ट्राई कीजिएगा। उसके बाद अगर देखें तो बिनोरा फर्नांडो रहेंगे, और यहाँ पर आप सौम्य सरकार, दसुन सनका को टीम पर ले लेना। तो ये टीम आप स्मॉली के लिए भी यूज कर सकते हो भाई, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन के मामले में अगर देखा जाए तो आप एंजेलो मैथ्यूज को कैप्टन बना के भाई, वाइस कैप्टन डिपार्टमेंट में यहाँ पर मुझे सरीफुल इस्लाम सही नज़र आ रहे हैं भाई, और ये प्लेयर आपको अच्छे विकेट्स देने वाला है। तो ये जो टीम है आपको नजर आ रहा है भाई, 2 विकेट कीपर, 2 बल्लेबाज, 2 ऑलराउंडर, 5 गेंदबाज है। तो यहाँ पर आपको एक बार टीम अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुशल मेंडी, सधीर समर, विक्रमाया भाई यहाँ पर। बल्लेबाजी पर चरिता श्रीलंका और महमदुल्ला, और 2 ऑलराउंडर से भाई एंजेलो मैथ्यूज, दसुन सनका। गेंदबाजी में आपको मतीसा पतराना, सरीफुल इस्लाम, महेश तिक्साना, टास्किन अहमद, बिनोरा फर्नांडो, सरीफुल इस्लाम और एंजेलो मैथ्यूज को मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन ले लिया। और ये जो हमारा टीम है भाई, इस टीम को मैं 20वां GL टीम पर यूज करने वाला हूँ। तो भाई अब देखते देखते अब देख सकते हो भाई, यहाँ पर आपको मैं 20 GL टीम बना के रख दिया भाई। यहाँ पर अभी भी यहाँ पर देखा जाए तो पूरे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने कवर कर दिया। तो ये जो 20 GL टीम है भाई, सेव करके रख लेना भाई यहाँ पर, क्योंकि सेव करके नहीं रखोगे तो आपको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेव करके रख लेना। तो फिलहाल के लिए मैं यहीं पर वीडियो को भी समाप्त करता हूँ भाई, और नेक्स्ट जो मैच है उसको भी कवर करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू, जय हिंद।